इस क्यूब बन को डुप्लीकेट किया, कंट्रोल राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सिलेक्शन किया, इसको रीनेम किया, डबल क्लिक किया ट्यूब टू। ठीक है, दो ट्यूब होगी मेरे पास, शिफ्ट सॉरी जी एंड एक्स, दो ट्यूब्स आ गई हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी कलर्स इनके चेंज हो, या तो कैप के चेंज हो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ चेंज हो, ताकि डिफरेंस जब प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन है थोड़ा अच्छा लगे। तो चेंज करने के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि मैंने इसके साथ एक और मॉकअप बनाया हुआ है जो कि डिफरेंट कलर का है, तो उसको फिर इम्पोर्ट करता हूँ इसमें। अब ये जो मेरे पास सिलेंडर है, सिलेंडर नंबर टू यानी ट्यूब नंबर टू, इस पे शेडिंग जाते हैं, इस वाले पे हम करेंगे इसको कॉपी, ये ट्यूब 01 हो गई, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा क्रॉस, दूसरी ट्यूब ट्यूब मैं इसकी ले आया हूँ। जैसे मैंने किया, देखिए मुझे यूवी मैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, इवन दो ये सेम इमेजेस हैं, बस पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज किया मैंने, तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस पे आते हैं, इसको भी कॉपी किया, मटेरियल 02, इसको कैप करना चाहिए था, बट सिंस इसको हम येलो कलर दे देते हैं। ठीक है, दो ट्यूब्स हो गई हमारे पास डिफरेंट कलर की। हम जाते हैं मॉडलिंग पे और हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे, तो मेरे पास दो आ गई हैं। ठीक है, विच इज गुड इनफ टू डिफरेंशिएट, दोनों हमारे पास डिफरेंट ट्यूब्स हैं, क्योंकि जब भी आपके पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आती हैं तो सारी एक तरह की नहीं होती हैं, डिफरेंट तरह की होती हैं किसी भी ब्रांड की, तो ये मैंने वही रेप्लीकेट किया दो सेपरेट। अब ना मेरे पास कैमरा है ना मेरे पास लाइट्स हैं, अब हम आते हैं प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन की तरफ। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन में बेतहाशा किस्म के आपके पास क्या कह सकते हैं उसको, ऑप्शंस हैं, और अपनी क्रिएटिविटी इसमें होती है। मैं आपको बेसिकली वो करके दिखाऊंगा जो कि इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंट लगे, बाकियों से डिफरेंट हो। मोस्टली क्या होता है, अगर मैं आपको कहूँ ना कि मेजॉरिटी लोगों से अगर मैं कहूँ कि आपने वो बना के देना है, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन करना है, तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट ए मैश सिलेंडर स्केल जी जेड। ठीक है, सबसे पहले प्लेन बनाते हैं, शिफ्ट ए मैश प्लेन स्केल, इतना काफी है जी जेड इधर। अब ये अगर मैं कहूँ ना, और आप नेट पे भी सर्च करें तो मेजॉरिटी लोगों ने यही करना है जो मैं कर रहा हूँ, शिफ्ट ई जेड स्केल जी जेड, ऐसे उन्होंने ऐसे पोडियम बना लेने दोनों के, या दोनों एक भी शायद करते हैं वो अपने पे, विच इज नॉट बैड एट ऑल, विच इज गुड। सबसे सेफ साइड ये, अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, पोडियम बनाएं और प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन का रेंडर निकाल के क्लाइंट को दे दें, सबसे सेफेस्ट तरीका ये। लेकिन क्रिएटिविटी में जो बता रहा हूँ ना आपको, क्रिएटिविटी क्या होती है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट करें, जो बाकी कर रहे हैं उसे डिफरेंट करें, उसको भी करें लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, वहां से आप स्टैंड आउट होते हैं ऑटोमेटिकली। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि वो काम किया करें जिस जो बाकी लोग नहीं कर रहे, वहां से फिर आपको पता चलता है कि आपका दिमाग कितना तेज है, आप कितना इन टच है अपनी फील्ड के साथ। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी टिप है। खैर, इन सबको मैं डिलीट करता हूँ, और करना क्या हमने, हम इसको करेंगे, मैं दो प्रोडक्ट विजुअलाइजेशंस बनाता हूँ। ठीक है, एक तो ये है कि शिफ्ट ए प्लेन, ये जमीन पे लेटे हुए पड़े हुए, सॉरी रोटेट एक्स एक्सिस 90 डिग्री, और स्केल किया इसको थोड़ा सा ज्यादा, और स्केल किया जी वाई थोड़ा पीछे ले जाते हैं, और रोटेट एक्स एक्सिस पे हम इसको करेंगे ऐसे, जैसे ये एक प्लेन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रंट व्यू पे जाते हैं, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा, कट किस तरह पता चलेगा कट रहा है कि नहीं कट रहा, पीछे से ट्यूब निकल आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। शिफ्ट ए लाइट एरिया, लाइट पे करेंगे देखते हैं एरिया या स्पॉट, ये दो इस वक्त मेरे जेन में आ रहा है, जी वाई थोड़ा सा हम इसको निकालते हैं इस तरह से, जी वाई बाहर निकालें, रोटेट वाई पे होगा 90, और जी एक्स पीछे ले जाएंगे, स्केल ज्यादा करेंगे इसको, और लाइट इंटेंसिटी सी कर देंगे 8000। ठीक है, जी जेड ऊपर ले गए, डिपेंड करता है कहाँ पे आपने लाइट
सोर्स देनी है इस वाले को, मैं ट्यूब को, अच्छा ये सारा कुछ इसमें बन रहा है, दैट्स नॉट गुड, इसको बाहर निकाल दिया, एरिया और प्लेन को, एरिया लाइट और प्लेन को, ये सिलेंडर हमारे पास जो है इसको रोटेट किया हमने ऐसे, ठीक है, लाइट सोर्स आ गई है, रेंडर देखें हम नॉट गुड, मतलब के वेरी ग्लिची, तो उसको हम रेंडर सेटिंग्स में कर देते हैं साइकिल, और अब प्लेन को स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि हमारा पूरा कैमरा भी हमने सेट नहीं किया, हम बाद में करते हैं, लाइट बहुत ज़्यादा तेज है, लाइट की इंटेंसिटी हम 4000 कर देंगे, लाइट पे गए 4000, समवट बेटर, ठीक है, एटलीस्ट पढ़ा तो जा रहा है टेक्स्ट, और लाइट को मूव कर देंगे जी एक्स पीछे करके, ये पहले वाला जो होगा थोड़ा सा ये आप समझ लें एस्थेटिकली डार्क टोन में मैं रेंडर निकालूंगा इसका, यानी कि प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन होगी, जो अगला होगा वो थोड़ा ब्राइट कर लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन खत्म की जा सकती है वैसे, क्योंकि नजर आ रहा है प्रोडक्ट आपका, लेकिन ऑब्वियसली हम थोड़े से इसमें रैंडम चीजें डाल देते हैं, इस वाले में सिर्फ स्फेयर्स डालते हैं, शिफ्ट ए मैश, बल्कि हम मॉडल वाले पे जाके शिफ्ट ए मैश स्फेयर जी जेड जी एक्स यहाँ पे ले गए, शिफ्ट टी जेड एक्सिस पे ले गए, स्केल किया नीचे, बल्कि ऐसा करते हैं टाइम बचाने के लिए पहले एक को हम मटेरियल दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं, ट्यूब है ना ये, तो ट्यूब के नहीं चाहिए, सॉरी मटेरियल चाहिए, ये हो गया, कैसा लग रहा है अभी देख लेते हैं, इसको डार्क पर्पल में ले जाते हैं इसको, ठीक है, मेटेलिकनेस इसकी बढ़ाता हूँ मैं, थोड़ा सा शाइनी करना है इसको, इसलिए मैं इसकी मेटेलिक बढ़ा रहा हूँ, रफनेस सही है, ओश मेरे कैप का भी हिल गया होगा, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल जेड कॉपी पहले बनाना है, इसको रीनेम करना है अब सफेयर, अब मेरा कैप नहीं हिलेगा, अब मैं इसका कलर चेंज करूंगा पर्पल, मेटालिक बढ़ाता हूँ, रफनेस थोड़ी सी कम करता हूँ, मेटालिक बॉल्स बेसिकली मैं डालना चाह रहा हूँ बीच में, ठीक है, इसको पकड़ा शिफ्ट डी जेड एक्सिस पे, स्केल थोड़ा सा कम किया, शिफ्ट डी इधर ले गए एक्स एक्सिस पे, और फिर जी वाई जी जेड ऊपर ले गए, स्केल किया थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, और शिफ्ट टी जेड नीचे ले गए, स्केल किया और कम, रैंडमनेस नहीं आ रही, जी जेड जी वाई जी एक्स, ठीक है, स्केल बड़ा कर दिया, जी जेड नीचे ले गए, स्केल और कम किया इसको, शिफ्ट डी जेड एक्सिस पे ऊपर ले गए, स्केल और कम किया, और इसको शिफ्ट ई किया, एक्स एक्सिस पे ले गए, वाई जेड स्केल किया और छोटा किया, शिफ्ट ई एक्स एक्सिस पे ले गए, स्केल किया थोड़ा ज़्यादा, शिफ्ट ई जेड एक्सिस पे, और जी एक्स स्केल कम किया, शिफ्ट टी स्केल ज्यादा किया, ठीक है, शिफ्ट टी एक्स एक्सिस इधर ले गए, जी वाई जी जेड नीचे ले गए, स्केल ज्यादा किया, तो फिलहाल के लिए आई थिंक दैट्स गुड, लेफ्ट व्यू देखते हैं कि कोई कट ना रहा हो, दिस वन इज बीइंग क्लिप्ड, तो उसको आगे ले गए थोड़ा सा, ठीक है, कोई भी नहीं कट रहा, परफेक्ट, कैमरा लेके जाते हैं अपना, कैमरा हमारे पास कोई नहीं है, तो शिफ्ट ए पे गए, कैमरा पे गए, कैमरा पे ले जाके इसको हम करते हैं इस व्यू पे पीछे लेके जाते हैं और कैमरा व्यू पे जाते हैं, ठीक है, तो कैमरा वाई एक्सिस पे हमने मूव किया हल्का सा ऐसे, जी जेड थोड़ा सा ऊपर लेके जाने हमने,
ठीक है, और जी एक्स पे यहाँ पे लेके जाना। ओरिएंटेशन आपकी अपने, मैं छोड़ता हूँ वो, उस पे आपकी अपनी जो है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से फ्रेम हमारा सही है। बैकग्राउंड जो है प्लेन, इसको भी हम देख लेते हैं, न्यू मटेरियल, और बेस कलर इसका हम करते हैं ब्लू, बिल्कुल माइनर सा। रेंडर चेक करते हैं। जो बॉल है इसका मेटालिक बहुत ज्यादा हुआ हुआ है, तो लेट्स रिड्यूस मेटालिक, ठीक है, और रफनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी लग रहा है। राइट साइड पे डार्कनेस मैंने इसलिए रखी हुई है सो दैट इट्स मच मोर, जान के रखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेसिकली। नहीं तो मेरे पास सोल्यूशन है इसका, मैं राइट साइड पे भी लाइट रख सकता हूँ या फिर एक प्लेन बना सकता हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये सही है, इट डजंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ मोर लाइटिंग। उसकी रीजन ये है कि मैंने बनाने से पहले ही कहा था थोड़ा सा डार्क टोन में मैं रखूंगा, लाइटर कलर चेंज करके ऑब्वियसली हम देख लेते हैं, लेकिन उससे हमारे प्रोडक्ट के कलर चेंज हो जाएंगे, तो इफ आई गिव वार्म लाइट तो वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। बट आई विल गो विद वाइट लाइट एंड ऑल गुड। मसला क्या आ रहा है, मसला ये है कि आप इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से राइट पे, अगर सेम यही आप राइट पे भी लाइट भेज सकते हैं, या एक और चीज हम कर सकते हैं शिफ्ट ए, बल्कि नहीं, आई वुड लाइक दिस टू बी द फाइनल रेंडर। इसमें मजीद चीजें मैं नहीं ऐड कर रहा, इसकी सिंपलिसिटी। अच्छा हाँ, एक चीज हमने की नहीं, मॉडल पे जाएं, इन सब सफेयर्स को स्मूथ करना है, शिफ्ट सॉरी कंट्रोल सेट, शेड स्मूथ, शेड स्मूथ, शेड स्मूथ, शेड स्मूथ। अदरवाइज ये जो टेक्सचर्ड बॉल थे ये भी कोई इतने बुरे नहीं लग रहे, बिकॉज इट लुक्स, इट गिव्स अ क्रिस्टल लुक, लेकिन आई थिंक अब बेहतर लगेगा ये, ठीक है, नाउ इट्स नॉट बॉक्स्ड एनीमोर। अच्छा एक और चीज है, राइट वालों को अगर हम ब्लू कर दें तो वो बेहतर रहेगा। तो दोबारा से मॉडलिंग पे जाते हैं, इसको पकड़ें और ब्लू स्टोन में ले जाएं, जैसा हमारा कैप था। अगेन गलती कर दी, कंट्रोल जेड, पहले हमें इसकी कॉपी बनानी है। स्फीयर वन जो है ना वो ब्लू होगा, इसको भी हम करेंगे स्फीयर 01, इसको भी करेंगे स्फीयर 01। जो ब्लू वाले ट्यूब के साथ है वो ब्लू, जो एंड सो ऑन, ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट। बाकी आप अपने एंड पर देखें क्या मजीद इस पे किया जा सकता है। ये बॉल मुझे हवा में लग रहा है तो लेट्स फिक्स दैट। यस ये हवा में ही है, इसको पकड़ें और जी वाई पीछे ले जाएं, थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। जी वाई बस, ठीक है, रेंडर देखते हैं अब, सॉरी कैमरा व्यू पे रेंडर देखना है, ठीक है। वो बॉल हवा में नहीं लग रहा, ये माइनर माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिससे रेंडर थोड़ा फेक लगता है, बाकी दैट्स इट आई थिंक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वाले बनाने से पहले ना हम सब कुछ हाइड कर देंगे, हाइड किया और ट्यूब वन जो है उसको बस रहने देंगे, ठीक है। रेंडर पे जाते हैं तो इट्स सिंपल रेंडर, बल्कि हमें ट्यूब टू भी चाहिए होगी, लेकिन ट्यूब के अंदर जो स्फेयर्स है ना वो फिलहाल अभी हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें डेफिनेटली शायद इसकी भी जरूरत पड़ जाए। ये रह गया, इसको भी हाइड कर दें, कहाँ पे पड़ा ये, लाइट एरिया की अब हम नहीं चाहिए। अब हम जो लाइट्स बनाएंगे ना वो हम बनाएंगे HDRI के थ्रू, तो वो उसको इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड पे जाके, कलर पे गए, एनवायरनमेंट टेक्सचर पे गए और ओपन किया, ये HDRI एक, ठीक है, कोई भी आप इनडोर HDRI पकड़ सकते हैं पोली हेवन से, polyheaven.com ने आपको बताया हुआ इस वेबसाइट के बारे में। तो यहाँ से हम लाइटिंग लेंगे, हम खुद लाइटिंग नहीं क्रिएट करेंगे, शिफ्ट
mesh plane scale, scale again GZ, ठीक है, इसको अब हम रोटेट करेंगे दोबारा से ताकि स्ट्रेट हो जाए। मॉडलिंग पे चले जाते हैं बजाय इसके के स्पीड कम रहे। ठीक है, इसको पकड़े, रोटेट करें, और शिफ्ट ए मैश एंड क्यूब बनाते हैं पहले, फिर सिलेंडर बनाते हैं। क्यूब जी जेड स्केल जी जेड, इसको बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए तो जी जेड करके मैप कर दें। शिफ्ट ए मैश एंड सिलेंडर स्केल करें, ऑलमोस्ट इतना ही साइज हो जितना इस क्यूब का है। जी जेड सॉरी स्केल जेड जी एक्स और जी जेड, ठीक है, एक हाइट में ऊंचा एक हाइट में नीचा, इट डजंट मैटर। ये ट्यूब जो है कौन सी वाली, ये वाली है, इन दोनों को उठाएं और जी सेट कर दें ताकि बिल्कुल इसके ऊपर हो। जी सेट परफेक्ट, और जी एक्स थोड़ा सा राइट साइड पे हो जाए तो बेहतर है, और रोटेट जेड एक्सिस पे हो जाए तो भी बेहतर है। ये दो हो गए हमारे पास, एक और ट्यूब बना लेते हैं, बल्कि इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। ट्यूब पे गए, राइट क्लिक, डुप्लीकेट कलेक्शन, ठीक है, तो ये ट्यूब हमारी जो है इस पे गए, शिफ्ट प्लेन इसमें नहीं आना चाहिए, सिलेंडर इसमें नहीं आना चाहिए, और ये सिलेंडर भी इसमें नहीं आना चाहिए। एक सेकेंड रुक, कंट्रोल जेड, इस डुप्लीकेशन डुप्लीकेट को खत्म करते हैं। इसके अंदर जो हमने चीजें डाली है ना वो बाहर निकालें सबसे पहले, तो सिलेंडर 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 ये भी इसमें नहीं आना चाहिए, प्लेन ये भी इसमें नहीं आना चाहिए, ट्यूब वन में सिर्फ ट्यूब ही रहेगी। अब इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कलेक्शन करें और इसको शिफ्ट नहीं बल्कि जी करके इधर लेके जाए और जेड थोड़ा सा ऐसे कर लें और जेड ऐसे और रोटेट कर देते हैं इसको अलोंग वाई एक्सिस नीचे की तरफ, जी जेड ऐसे जी वाई बाहर निकालें, जी जेड ऊपर की तरफ कर लें, रोटेट एक्स सही है, रोटेट वाई ऐसे, रोटेट एक्स जी जेड जी जेड ऊपर करें इसको, ठीक है, और रोटेट वाई इसको नीचे लगना चाहिए ऐसे, ठीक है, रोटेट वाई थोड़ा सा सा करके जी जेड नीचे कर दें, परफेक्ट, और जी एक्स करके इसको आगे ले जाएं। तो ये हमारे पास तीन ट्यूब्स हैं, होपफुली तीनों डिफरेंट हों, ठीक है डिफरेंट ही है। मटेरियल पे आते हैं दोबारा, सॉरी मटेरियल पे जाने, इसको किया राइट क्लिक शेड स्मूथ और सिलेंडर पे गए और नॉर्मल पे गए ऑटो स्मूथ, मटेरियल्स डालते हैं इन पे, इस पे डालेंगे हम न्यू मटेरियल और ब्लूइश टोन का होगा, ठीक है, रफनेस और मेटालिक जो है ना इसको इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव इट मेटालिक लुक, लेकिन थोड़ा सा मेटालिक करेंगे थोड़ी सी रफनेस कम करेंगे ज़्यादा नहीं। इस पे भी यही मटेरियल डालेंगे लेकिन कॉपी बना के और फिर इसका कलर कर देंगे थोड़ा सा स्लाइट पिंक, ये मैं किसका कलर चेंज कर रहा हूँ बाय द वे,
इस क्यूब का, तो इस क्यूब पे क्यों नहीं इफेक्ट आ रहा? ये क्यूब है, इसको हाइड किया, इस क्यूब के नीचे एक और क्यूब है, सो दैट्स द रीजन। इस क्यूब को हम करते हैं डिलीट, इस क्यूब को हम करते हैं मटेरियल 5, और कलर थोड़ा सा माइनर पिंक हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। या फिर सेम कलर के कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप क्या चाहते हैं। पीछे बैकग्राउंड हमारे पास नहीं है, हम रेंडर पे जाएंगे, बल्कि इसका शिफ्ट डी करेंगे और रोटेट विद एक्स 90, जी वाई पीछे किया, स्केल किया, इसको भी स्केल कर देते हैं। कैमरा एंगल हमारा कैसा है? ये है, थोड़ा पीछे जाए। ओहो, कैमरा 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 इज वेयर, ट्यूब वन में नहीं, ट्यूब वन में नहीं, ट्यूब टू में, ये है, बाहर निकाला जाए इसको। कैमरा को जी वाई करके हम थोड़ा पीछे कर लेंगे, जी एक्स के राइट पे ले जाएंगे या लेफ्ट पे ले जाएंगे, जिधर आपका दिल करता है। इसको थोड़ा स्केल किया प्लेन को, ठीक है, और समथिंग लाइक दिस। इस क्यूब को और इसको सिलेंडर 6 है, ये काफी मेस्ड अप हो गया हमारा। इन स्फेयर्स को सबसे पहले तो मैं उठाता हूँ और न्यू कलेक्शन में डालता हूँ। न्यू कलेक्शन, कलेक्शन जो है इसको करते हैं स्फेयर्स, स्फेयर 1 से लेके स्फेयर 9 तक स्फेयर में मूव कर दिया, इसको हाइड किया, ये स्फेयर रह गया, इसको भी स्फेयर में डाल दिया। ये ट्यूब 1 2 3 सारे हमारे पास हैं, इसमें और कुछ नहीं है सिवाय ट्यूब के लेयर्स के। एरिया लाइट हमें नहीं चाहिए फिलहाल क्योंकि हम इसमें काम नहीं कर रहे, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये तो पिछले वाले का था, इसको रहने देते हैं। क्यूब सिलेंडर, सिलेंडर 1 2, इनको किया, बाकी क्यूब है, ट्यूब 2 नीचे वाली है, ट्यूब 1 ये है, और अच्छा ये ट्यूब बाहर फेर रही है। इस ट्यूब को उठा के अगर हम हाइड करें और इसको विजिबल करें तो ठीक है, ये डुप्लीकेट हुआ हुआ है, तो इन दोनों को हमने किया डिलीट। सिलेंडर कौन सा ये? अच्छा इस सिलेंडर का डुप्लीकेट, इसको भी डिलीट करें। ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन पिछले वाले का है तो इसको रहने देते हैं। प्लेन 1, प्लेन 2 एंड प्लेन 3, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, काफी सिंप्लीफाइड हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्यूब है और ये जो, इसको ऊपर थोड़ा सा मूव किया जाए, जी जेड, सॉरी इनको सिलेक्ट करो, जी जेड, इसको और इस ट्यूब के जो लेयर्स हैं शिफ्ट जी जेड, इसको भी थोड़ा ऊपर मूव किया जाए, जी जेड, ठीक है। और ये जो ट्यूब है जो कि ट्यूब 1 है, इसको उठा के जी एक्स थोड़ा राइट पे ले जाए, बाकी यहाँ पे सही रहेगा, राइट साइड एम्प्टी रहनी चाहिए, बाकी सब सही है। जो हमारे पास प्लेन जमीन पड़ी है, इसको मटेरियल देते हैं ये वाला, सॉरी ये तो ट्यूब का है, नॉट गुड, मटेरियल देना था, और इस मटेरियल में इसको हम देंगे हल्का सा और पिंक, पिछला प्लेन जो है इसको भी हम कलर देते हैं मटेरियल 4, ठीक है। और अब अगर मैं एरिया लाइट को इनेबल करूं, जो कि कहाँ पड़ी है, इनेबल जी वाई,
area light is not able to because of HDRI. So because of material. Camera view pe gaya. Let's see how is our render. So kuch had tak ye acha spheres reh gaye hamare spheres ko bhi enable kar dete hain. Modeling pe gaye, modeling tab pe gaye aur spheres pe jaate hain ab. Is sphere ko enable kiya. इसको जी सेट करके नीचे कर दिया. ठीक है, ज्यादा स्फेयर्स ही होंगे, जस्ट वन और टू. जी जेड वन मोर जी जेड. ये कहां पड़ा होगा? ये पड़ा होगा इस ब्लॉक के ऊपर. तो जी एक्स जी जेड, ठीक है, और जी वाई पीछे करके पड़ा होगा. नॉट लुकिंग गुड. ठीक है, तो इसको उठाएं, पीछे ले जाएं और नीचे फेंक दें. ठीक है, और थोड़ा सा राइट पे निकालें ताकि रेंडर में नजर आ जाए. और किधर से फेयर है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है. इसको उठाएं और नीचे रख दें और थोड़ा सा आगे ले आते हैं इसको. जी जेड, इसको उठाएं, जी जेड करें, कैमरा व्यू देखें. ये वाला नजर नहीं आ रहा तो इस पर क्लिक करें. पहले तो इसको करें जी एक्स, बाहर निकालें, जी जेड नीचे ले जाएं. ठीक है, और आई थिंक दैट्स गुड इनफ. ये बहुत ज्यादा हवा में लग रहा है, इसको नीचे गिराते हैं या इसको स्केल कर देते हैं. स्केल जी जेड जी एक्स, स्केल थोड़ा सा कम करें और जी जेड जी एक्स, दैट्स इट. अब उसका रेंडर निकाल सकते हैं हम. ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन आ गया आपके पास प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन की. एक और चीज कर सकते हैं, राइट साइड जो खाली है ना उस पर हम एक आर्क बना लेते हैं. शिफ्ट ए मैश क्यूब जी एक्स, स्केल थोड़ा बड़ा कर देते हैं. जी जेड स्केल जेड. ठीक है, टैब मोड पे गए और इसको स्केल करते हैं एक्स एक्सिस, सॉरी टैब स्केल वाई, बारीक होना चाहिए. जी किधर मूव करना है? वाई में मूव करना है पीछे करके. और टैब पे के इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, कंट्रोल बी. फ्रंट व्यू पे देखें तो बेहतर रहेगा, कंट्रोल बी. ठीक है, टैब स्केल एक्स, सॉरी स्केल एक्स जी सेड. और कैमरा व्यू पे गया, इसको मटेरियल हम दे देते हैं. बैकग्राउंड हमारी किस कलर की है? डार्क ब्लू है ना, इसको हम दे देते हैं ये वाला कलर. दैट्स इट, इसका रेंडर आप लोगों को मैं कर दूंगा फॉरवर्ड. दिस इज सिंपल प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन जिसमें आप रैंडम जितना डाल सकते हैं और बेहतर है. बगैर किसी इमेज के अगर आप करेंगे ना तो इट वुड लुक अ बिट, सोचना ज्यादा पड़ेगा. लेकिन कोई इमेज सामने पड़ी होगी तो बेहतर रहेगा कि आप ज़्यादा तेज़ से काम होगा, बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ. तो फाइंड एज मैनी इमेजेस एज पॉसिबल ऑफ प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, उनको ढूंढें, उनको उसमें से हर एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स नहीं पकड़ने, जो आपको अच्छे लगते हैं वो एलिमेंट्स पकड़ लें. एलिमेंट पकड़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को रीयूज कर सकते हैं. ठीक है, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में
तो एक दफा मेहनत करनी होती है, एक दफा प्रोजेक्ट अच्छा दिल से बनाना होता है, फिर उसके बाद आप उसको रीयूज कर सकते हैं जितना मर्जी आप, जितना मर्जी चाहें आप कर सकते हैं। तो एनीवेज आई होप आपने इस वाले प्रोजेक्ट में भी काफी कुछ सीखा हो। ये थोड़ा लेंथी हो गया था ड्यू टू 3 स्टेप्स, ठीक है, मॉडलिंग का था, फिर टेक्सचरिंग का था, फिर उसके बाद प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन का था। प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन में सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे पर्सनली, बिकॉज क्योंकि उसमें ग्राफिक्स ग्राफिक्स को आपने इधर उधर करना होता है, मॉडलिंग और वो भी अच्छा है, सब स्टेप्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो एनीवेज आप इसको करें और अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाएं, ठीक है। तो सी यू इन, इसका रेंडर मैं आपको दे दूंगा दोनों जो जो मैंने बनाए हैं इसके लेआउट्स, एक पिछले वाला और एक ये वाला। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।